नमस्कार, मैं महावास्तु सर्टिफाइड ट्रेनर चंद्रकला पटना से बोल रही हूँ। चलिए आज जानते हैं कि महावास्तु के 16 जोन और हमारे अनगिनत रिश्ते, ये दोनों में क्या संबंध है। हमारे रिश्ते, हमारे जोन कैसे एक दूसरे से लिंक्ड है, इसे हम देखते हैं अभी इस सेशन में। तो हमारे रिश्तों की दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट रिश्ता है हमारा खुद का अपने से रिलेशन। अगर हम खुद अपने आपा को समझ लें और हमारा अपने से अच्छा रिलेशन हो तो सारा जगत हमें अच्छा लगता है और हमें क्लैरिटी हो जाती है इस जगत की। तो सबसे इम्पोर्टेंट है हमें अपने से खुद का रिश्ता बनाना। इसके लिए जरूरी है हम श्रीमद् भगवद गीता पढ़कर उसको 17वें अध्याय में जो सारणियां दी हैं उसे इवैल्यूएट कर लें हम अपने आप को, और पता चले कि हम किस प्रकृति के हैं और हमारा नेचर क्या है। तो इससे हम आगे बढ़ने में बहुत ही सहायक हो सकता है। इसके लिए हमें क्या करना है, नॉर्थ ईस्ट की दिशा को बैलेंस रखना है, वहां से भारी भारी सामान को हटा लेना है और वहां पे क्लियर रख के जो भी सामान है उसको बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज करके वहां पे रखना है। वहां पे अग्नि तत्व नहीं होना चाहिए, एंटी एलिमेंट्स कुछ नहीं होना चाहिए जो पहले मैंने बताया था। और इस तरह हम अपने आप से कनेक्ट होते हैं और अपने से जब कनेक्ट हो जाते हैं तो हम अपने गॉड से भी कनेक्ट हो जाते हैं। हमारे लाइफ में से अनवांटेड चीज हट जाती है और धीरे धीरे हम अपने ब्रह्म की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसके बाद आता है हमारा साउथ वेस्ट की दिशा जो संबंधों के मास्टर जोन है। ये दिशा हमारे सब संबंधों को गवर्न करते हैं। ये दिशा अगर मजबूत है, बैलेंस स्थिति में है तो हमारे संबंध भी अच्छे होते हैं। न ही ये दिशा कटा होना चाहिए और न ही बढ़ा हुआ होना चाहिए, और यहाँ पे एंटी एलिमेंट्स भी नहीं होना चाहिए। यह हमारे अपने आपस के रिलेशन को बहुत अच्छा मजबूती देता है बैलेंस स्टेट में है। तो ये चूंकि ये पृथ्वी तत्व की दिशा है, यहाँ पे जल तत्व और अग्नि तत्व और वायु तत्व भी एंटी एलिमेंट है, यहाँ पे आता है तो हमारे संबंध बिगड़ने लगते हैं। नीला या काला रंग या वाटर रिलेटेड कोई भी एलिमेंट यहाँ पे है तो भी हमारे संबंधों में प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसका ध्यान रखना है कि यहाँ पे एंटी एलिमेंट ना हो, ये अपने आप में इसकी दिशा मजबूत हो, बैलेंस स्टेट में हो तो हमारे संबंध भी अच्छे बने रहते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट जोन है जो मास्टर जोन का ही तीसरा पार्ट है, नॉर्थ वेस्ट का जोन जो हमें पूरे जगत से कनेक्ट करवाता है। तो पूरे जगत से कनेक्ट करने के लिए जो जरूरत के समय हमें हेल्प करते हैं वैसे रिश्ते का जोन है नॉर्थ वेस्ट, उसको भी बैलेंस होना बहुत ही आवश्यक है। नॉर्थ वेस्ट की दिशा आकाश तत्व की दिशा है, यहाँ ये ट्रांसफॉर्म होती है, आकाश तत्व पानी तत्व में बदलता है, इसलिए इसका भी बैलेंस होना बहुत ही आवश्यक है। जब हमें किसी भी चीज की, किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता होती है सपोर्ट संबंधी, बैंक से लोन लेना हो या किसी रिसोर्स का जरूरत पड़ जाए तो ये दिशा ही मजबूत हो तो हमें जरूरत के समय वैसे रिलेशन की हेल्प मिल जाती है। इसलिए ये जो तीनों दिशा है हमारे मास्टर जोन है हमारे रिलेशन के, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। इन तीनों दिशाओं को बैलेंस करके हम अपना लाइफ में एक अच्छे संबंध का शुरुआत कर सकते हैं। हम अपने आप से कनेक्ट होंगे, हमारे बच्चे, हमारे हस्बैंड और हमारे परिवार से कनेक्ट होते हैं साउथ वेस्ट की दिशा से, और उसके बाद नॉर्थ वेस्ट की दिशा को मजबूत करके हम पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट होते हैं। नमस्कार।